आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लायन, आज शेर ने प्रश्न पूछा है टेक्स्ट रेवेंज क्रोकोडाइल से अगेंस्ट कि तुम जंगल में कैसे क्रोकोडाइल। मैं तो कल पानी पीने गया था, तुम बहुत तंग कर रहा था। जो भी तेरी नदी में पानी पीने जाता है तू उसको मार गिराता है। अब तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? तुमसे क्यों नहीं बदला लिया जाए? लैंड रेवेंज लेने के मूड में है। क्रोकोडाइल के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। कदर है भाई, मैं चला जाऊंगा, थोड़ा सा टहलने के लिए आया था, मगर ये जंगल तो हमारा है। इस जंगल में बिना मेरी अनुमति का तो कोई आता नहीं। जो जो आता है उसे अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। क्रोकोडाइल ने कहा मुझे जाने दो। शेर ने कहा तुम्हें हिसाब चुकता करके जाना होगा। मेरे शेर भूखे हैं आज। आज वो तुम्हें बख्शने की मुद्रा में नहीं है। और यह कर करके बब्बर शेर ने लायन ने क्रोकोडाइल के ऊपर अपने पंजों और दांतों को गड़ा दिया। क्रोकोडाइल रिक्वेस्ट करता रहा, प्रे करता रहा, मुझे छोड़ दो। लायन ने कहा कि तुम पानी में फिर बदतमीजी करोगे। हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। आई मस्ट किल यू। इस नदी को क्रोकोडाइल फ्री करना है। और ये कह कर गए लायन क्रोकोडाइल पर अपने पंजों को और दांतों को गड़ा दिया।